मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई ऑनेस्ट स्टोरी बाई विच आई कैन क्रैक ऑल थ्री एग्जाम्स ऑफ KVS, NVS एंड एटोमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो बिल्कुल ऑनेस्ट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट, कौन सी मेरे अंदर कमियाँ थी, कौन सी मेरी खूबियाँ थी, कैसे मैंने अपनी कमियों को कम किया है, कैसे खूबियों को बढ़ाया, कैसे सेल्फ डाउट मेरे अंदर आता था और सब कुछ बिल्कुल ऑनेस्टी से। तो बात शुरू होती है, देखो स्कूलिंग में था तभी डिसाइड कर लिया था, मतलब बैक ऑफ द माइंड ये आ गया था डिज़ायर कि मेरे को फिजिक्स टीचर ही बनना है। तो स्कूलिंग हुई जैसे नॉर्मल एक स्टूडेंट पढ़ता है 11th 12th की, फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हो गए पास, उसके बाद में प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ। तो स्कूलिंग में सबसे पहले फिर मैंने प्रोफेशनल करियर में एक स्कूल ज्वाइन किया। उस स्कूल के अंदर मैंने सबसे पहले देखा, पढ़ाना सीखा, मतलब हाउ टू टीच आई लर्न फ्रॉम दैट स्कूल, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतना बड़ा रेपुटेटेड स्कूल तो नहीं था वो, लेकिन बच्चे अच्छे थे तो पढ़ाना मैं बहुत अच्छे से वहाँ से सीख गया। उसके बाद उस स्कूल से स्विच किया तो एक CBSE एफिलेटेड स्कूल के अंदर गया। तो वहाँ देखा कि CBSE एफिलेटेड स्कूल्स के अंदर, CBSE के अंदर रूमेरिकल्स का पोर्शन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। तो प्रदीप फंडामेंटल बुक थी, उसको मैंने परचेज किया। तो उसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता था, और धीरे धीरे टीचिंग स्किल्स मेरे अच्छे होते गए, तो काफ़ी इफेक्टिव टीचर बन गया था मैं 2 साल के अंदर। उसके बाद मन में आया कि गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए सॉरी। तो RPSC, बिकॉज राजस्थान से हूँ तो RPSC इधर होता है, जिसके थ्रू हम स्कूल लेक्चरर, मतलब 11th 12th के हम फिजिक्स का मैं टीचर बन सकता था गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे को ये ट्राई करना चाहिए। तो फिजिक्स तो ठीक थी क्योंकि फिजिक्स मेरा पैशन था तो उसको मैं तो आराम से सीख सकता था, बट GK का पोर्शन बहुत वाइड है RPSC का, उसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जब उसको पढ़ना शुरू किया तो मेरा दिमाग क्या ख़राब होने लगा एक तरह से बोल सकता हूँ। वैसे अच्छे सब्जेक्ट हैं, मतलब होंगे, पर मेरा पैशन फिजिक्स था ना, और मुझे वो मतलब क्रैमिंग जैसा लगता था, और ऐसा भी लगता था कि इसको मैं पढ़ी क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बच्चों को फिजिक्स सिखानी है, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का काम ही क्या है मेरे लिए। तो एक सेटिस्फेक्शन अंदर नहीं आ रहा था, तो वो प्रिपरेशन में अच्छे से नहीं कर पाया। इतने में क्या हुआ, राजस्थान के अंदर ही 3rd grade की वैकेंसीज भी आने वाली थी, वो भी बम्पर वैकेंसीज। तो साइंस मैथ्स की उसके अंदर चांसेस थे 7,000 to 8,000 सीट्स रहने के, तो उसके अंदर कम मेहनत करके भी ये चांस थे कि एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर में बन जाएंगे टीचर। तो उसका कोर्स परचेज किया, उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट की, फिर से वही पढ़ तो रहा था, समझ भी सब आ रहा था, लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं आ रही थी क्योंकि पैशन फिजिक्स था ना, वो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा था। तो वो ऐसा लग रहा था यार क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा पैशन तो फिजिक्स है, मुझे नहीं करना ये, मुझे नहीं इस टाइप का गवर्नमेंट टीचर बनना। तो मैंने, मेरे अंदर ऐसा आने लगा, तो खुद से मैंने देखा कि मेरी डिमांड्स तो कुछ है नहीं, मुझे ना तो बड़ी कार का शौक, मुझे बड़ा घर बेंगलोर तो चाहिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिजिक्स की लाइन में ही परस्यू करूँगा, इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, ग्रो करूँगा, चाहे फिर उसके बाद फाइनेंशियल करियर मेरा अच्छा हो चाहे ना हो, बट मैं फिजिक्स की लाइन में ही रहूँगा, दैट्स इट। तो मैंने रीट का कोर्स जो खरीदा रहा, ऑनलाइन परचेज किया था, वैसे पढ़ा रहा, उसको मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तो अब मुझे ये था कि मैं फिजिक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बनूंगा। अब ये बैक ऑफ द माइंड तो था ही कि फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, तो नीट और JEE की फैकल्टी बन जाए तो फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो हो सकते हैं, लेकिन लालच नहीं था, नहीं होगा तो भी ठीक है, लेकिन मैं फिजिक्स के कोर में जाऊंगा इतना मेरे को हो गया था। तो इसके बाद ठीक है जी, फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया। इतने में लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हुआ तो YouTube पे क्या है, Unacademy, तब इन्होंने अपनी वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी, तो नमो सर के वीडियोस देखता था, HC वर्मा बुक स्टार्ट कर दी सॉल्व करनी। तो इधर HC वर्मा सॉल्व करता, और सुबह क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा था तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, 4-5 घंटे क्लासेस लेता, नमो सर की वीडियोस देखता, उसको देखता, क्वेश्चन सॉल्व करता HC वर्मा। तो धीरे धीरे लॉकडाउन के अंदर HC वर्मा सॉल्व कर ली और सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट मेरे को आने लग गए। अब कॉन्सेप्ट मुझे सारे आते थे बट सारे याद नहीं थे मुझे,
कॉन्सेप्ट मुझे सारे आते थे बट सारे कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं थे। तो इस टाइम पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब सुनो, केवीएस कैसे मेरे अंदर आया कि मुझे केवीएस की प्रिपरेशन करनी है। तब मैंने क्या किया, अब मेरे को ये हो गया कि मेरे को फिजिक्स अच्छे से आने लग गई है, सारे कॉन्सेप्ट याद इकट्ठे नहीं है लेकिन समझ तो सारे आ गए हैं। तो अच्छा स्कूल टीचर तो मैं बन चुका हूं, बहुत अच्छा स्कूल टीचर तो मैं बन चुका हूं, इंस्टीट्यूट में पढ़ा पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मैंने, एक मेरा फ्रेंड था सीकर में, मैंने उसको कॉल लगाया कि क्या प्रोसीजर है, मैं कैसे आ सकता हूं। तो वो कॉलेज में पढ़ा था तो उसको पता नहीं था, तो उसने बताया कि आगे उसका एक फ्रेंड है वो वहां पे सीकर के एक रेप्यूटेटेड स्कूल के अंदर काम करता था लेकिन अब उसका सिलेक्शन केवीएस के अंदर हो गया है। तो मैंने सोचा केवीएस के अंदर सिलेक्शन ले लिया, केवीएस की तो 50-60 सीट्स आती है जनरल की पूरे इंडिया में, तो इतना टफ कंपटीशन उसने कैसे क्रैक कर दिया। तो वो बोला कि यार पता नहीं, उसकी तो फिजिक्स बहुत स्ट्रांग थी, जीके जूके तो उसको भी नहीं आती थी, पता नहीं कैसे क्रैक कर दिया। तो मैंने कहा उसका नंबर दो। तो मैंने उन सर का नंबर लिया, उन सर से बात की, तो बात करने पे पता लगा कि सच में सिर्फ फिजिक्स के दम पे उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। फिजिक्स उनकी बहुत स्ट्रांग थी, बाकी जीके उनको कुछ भी नहीं आती थी। वो कहता मैंने जीके को टच भी नहीं किया आज तक, सिर्फ फिजिक्स के दम पे मैंने केवीएस के अंदर सिलेक्शन ले लिया। तब मुझे पता लगा कि केवीएस में हम अगर सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है और हम टीचर हैं, हमारी टीचिंग स्किल्स अच्छी है, तो हम केवीएस के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। तब पहली बार मेरे मन में क्लिक किया कि मुझे अब केवीएस को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये भी आ गया था क्योंकि उस टाइम जब उन सर ने क्रैक किया था तब केवीएस की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई थी, मतलब अगर सारी केवीएस की हिस्ट्री देखें तो उस साल सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई थी। तो मुझे ये भी पता था कि अब केवीएस की वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं आने वाली, तो सिर्फ फिजिक्स के दम पे सिलेक्शन नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत जीके तो मुझे भी करना पड़ेगा। लेकिन इतना सेटिस्फेक्शन था कि फिजिक्स यहाँ पे मेन रोल करने वाली थी कि अगर आपको फिजिक्स आती है आप सिलेक्शन ले लोगे, सिर्फ जीके आती है फिजिक्स नहीं आती तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिजिक्स तो मेरे को पैरेलल में चलानी थी, तो फिर उसके बाद में फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया धीरे धीरे। जेई मेन नीट उस सब के भी मैंने मतलब मॉक पेपर सॉल्व करने शुरू किए। तो आपको पता है प्रैक्टिस से स्पीड तो बनी जाती है, पहले कॉन्सेप्ट आते थे, कॉन्सेप्ट सारे थे, प्रैक्टिस करता गया स्पीड बन गई। लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम थी कि कॉन्सेप्ट सारे इकट्ठे याद नहीं आ पा रहे थे, मतलब अगर मैं पूरा एक पेपर उठा के सॉल्व करूं तो कुछ क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व नहीं हो पाते थे क्योंकि मैं भूल जाता था तो मुझे देखना पड़ता था। तो सारी रिटेंटिविटी बढ़ाने के लिए रिपीटिशन जरूरी था, तो इसलिए बार बार रिपीट किए, प्रैक्टिस करता गया तो रिटेंटिविटी अच्छी बन गई, सब कॉन्सेप्ट्स याद भी होने लगे। आशीष अरोड़ा सर, फिजिक्स गैलेक्सी उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक चेकलिस्ट वीडियोस अपलोड की, 56 वीडियोस थी, उसके अंदर सीधा कॉन्सेप्ट पे टारगेट करके उन्होंने छोटी छोटी वीडियोस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी से बताए हुए हैं। मतलब आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो उन वीडियोस को देख के सारे कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर पाओगे। तो उसके मैंने नोट्स भी बनाए, तो एक तरह से मेरे शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो गए, तो उनका बार बार मैं रिपीटेशन करता गया तो सारे कॉन्सेप्ट्स भी मेरे को भी इकट्ठे याद भी रहने लग गए थे। अब इस बीच ये बात आती है कि मैं इतने लंबे टाइम तक, क्योंकि ये सारी प्रिपरेशन करने तक, पैरेलल में जीके करने तक 2-3 साल लगे, तो 2-3 साल तक मैं कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सका। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने चीट नहीं किया, और मैं स्कूल भी जा रहा था ठीक है और शाम को स्टडी भी कर रहा था। तो इसका मेन रीज़न ये है कि सबसे पहली बात कि मैं मेडिटेशन उस टाइम पे स्टार्ट किया था, तो मेडिटेशन करने से मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा होता गया, मैं बिल्कुल काम होता गया। तो जो डिस्ट्रैक्शंस थे वो डिस्ट्रैक्ट, जो स्टार्टिंग में मुझे करते थे वो मुझे बंद करते गए डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है। दूसरा नंबर, मुझे ये पता था, देखो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना मैंने शुरू किया कि पूरे इंडिया में जनरल के लिए केवीएस में सिर्फ 50 सीट्स आएंगी, और क्या सिर्फ 50 कैंडिडेट्स नहीं होंगे क्या पूरे इंडिया में जो ये सब पढ़ के आएंगे, जिनको फिजिक्स भी आती होगी जीके भी आती होगी। अरे 50 क्यों, 5000 कैंडिडेट्स होंगे तो फिर तू ही क्यों सेलेक्ट होगा, आपका ही सिलेक्शन क्यों होना चाहिए, ये सोचना मैंने शुरू किया। तो मुझे पता लग गया कि इससे आगे भी मुझे बढ़ना पड़ेगा, सारी फिजिक्स आने से और ठीक ठाक जीके आने से सिलेक्शन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा,
अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना पड़ेगा और उसको बढ़ाना पड़ेगा कि कैसे एग्जाम टाइम के अंदर मैं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रख सकूं ताकि उस टाइम पे मेरा आउटपुट मैक्सिमम आ सके। तो इसलिए मैंने अपना माइंड का एनालिसिस करना शुरू किया और ये सोचना शुरू किया कि एग्जाम खराब क्यों होते हैं। देखो, नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी ये प्रैक्टिकल थिंकिंग थी। एग्जाम खराब होते क्यों हैं? अब एग्जाम खराब क्यों होते हैं? एग्जाम इजी आ गया, सबने कर दिया भाई। अरे एग्जाम टफ ही बहुत था, टाइम बहुत लग रहा था, पेपर ही नहीं हो पाया। अरे उस दिन मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मेरा एग्जाम खराब हो गया। अरे पता नहीं, सब कुछ अच्छा था, प्रिपरेशन भी अच्छी थी, उस दिन दिमाग ही नहीं चला। तो यही बातें होती है ना अपना एग्जाम प्रिपरेशन के बाद भी खराब हो जाने की। तो ये चीज मैंने अपने आप पे पहले इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी नॉर्मल डेज के अंदर, क्योंकि नॉर्मल डेज में भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो मैं देखता था कि आज मेरा दिमाग नहीं चल रहा, आज मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, मेरी कॉन्सेंट्रेशन उतनी अच्छी बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? तो मैं चेक करता मैंने कल क्या किया था, मैंने आज क्या किया, मैंने कल क्या खाया था, मैंने आज क्या खाया है, कौन सी चीज मेरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है और कौन सी चीज मेरी कॉन्सेंट्रेशन कम करती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी चीज, जब मैं हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो मेरी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम कर देता था। तो मैंने डिसाइड किया कि कभी भी मैं हेडफोन से म्यूजिक नहीं सुनूंगा। अभी कभी कभी बीच में सुन लेता था, 1 month 2 months में एक बार, लेकिन एक बार मेरे हेडफोन जब खराब हो गए उसके बाद मैंने, अब 5 साल हो गए मैंने हेडफोन्स ईयरफोन्स परचेज ही नहीं किए हैं। तो कभी बहुत मेरा मन करता और मेरे को लगता कि आज का टास्क मैंने क्लियर कर दिया है, ये 25-30 न्यूमेरिकल्स मेरे को आज करने थे मैंने कर दिए हैं, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के ईयरफोन लेके सुन लेता था, लेकिन अपना ईयरफोन कभी खरीदे नहीं, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैंने ईयरफोन खरीद लिए तो 2 घंटे मैं रोज म्यूजिक सुन जाऊंगा, एक तो 2 घंटे खराब, दूसरा उसके बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम हो जाएगी कि जितने टाइम में मैं वो क्वेश्चंस करने वाला था उससे डबल टाइम मेरे को चाहिए होगा, और स्पीड भी कम हो गई, दिमाग भी थक गया। तो इस तरह से मैंने वो ईयरफोन नहीं खरीदे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, कभी जैसे मोबाइल अपने इसके ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, मूवीज देख रहे हैं, तो उससे मेरी कॉन्सेंट्रेशन कम होती थी। तो मैंने मतलब खुद से देखा, जरूरी नहीं आपके साथ ऐसा हो, आप अपनी बॉडी को पहचानना, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इन चीज़ों को कम करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि मैं खुद से जब सॉलिड आवाज़ में कहता कम हो जाती, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि कम हो नहीं पाता था, कंट्रोल हो ही नहीं पाता था, तब मैं क्या करता था, भगवान जी की हेल्प लेता था। कैसे? थोड़ा सा फनी जरूर लगेगा आपको, लेकिन बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। मैं कसम खा लेता था कि भगवान जी मैं आपकी कसम खा रहा हूँ, नेक्स्ट 7 days तक मैं ये नहीं करने वाला। तो अब भगवान जी की कसम तो तोड़ नहीं सकते, तो उसी टाइम माइंड को इधर ना क्लियर हो जाता था, इधर क्लियर होना चाहिए, इधर कुछ क्लियर नहीं होगा ना तो ये उछलेगा, तो इधर क्लियर हो जाता था। अब 7 दिन तो ये काम कर ही नहीं सकते यार, भगवान जी की कसम नहीं तोड़ सकते, तो इधर से वो जो होता था ना कि करना करना, वो ख़त्म, तुरंत ख़त्म। 7 दिन बहुत अच्छे गुजरते और 7 दिन के अंदर वो एडिक्शन भी ख़त्म हो जाता है। तो 8वें दिन मन भी नहीं करता था, अगर थोड़ा बहुत यूज़ कर लो तो एडिक्शन नहीं होता था, मतलब समझ में आ रही बात। तो ऐसे करके मैं अपने माइंड को कंट्रोल करता था। 1 मिनट रुकना आप जी, वीडियो चेक कर लूँ चल रही है कि नहीं, पहले भी रुक गई थी, चल रही है, दोबारा बना रहा हूँ, पहले वीडियो बनाई थी तो वो फ़ोन ही बंद हो गया इसलिए दोबारा चेक कर रहा हूँ। तो समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से मैं लगातार अपने माइंड का एनालिसिस करता रहता था। अब माइंड का एनालिसिस भी मैं क्यों कर पाया, बिकॉज मैं ये बात किसी को नहीं बताई हुई, मैंने कभी भी नहीं बताई, मतलब सिलेक्शन लेने के बाद बताई, क्योंकि उस टाइम अगर मैं बताता तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बताऊँगा तो शायद ये किसी दूसरे के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है, तो इंस्पिरेशन हो सकती है शायद दूसरे के लिए, तो इसलिए अब मैं बता रहा हूँ। मतलब उस टाइम पे मैं मेडिटेशन करता था, भगवान भोलेनाथ जी में मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड माइंडसेट बहुत अच्छा होता गया, और माइंडसेट अगर सोचना आ गया सही डायरेक्शन में तो सब सही होगा, तो ही मैं ये सोच पाता था, तो ये सब सोचे जो थिंकिंग है मेरे माइंड में आई, खुद का एनालिसिस किया, ये सब कुछ। हाँ, एक और चीज़, एक ये भी था कि जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना उसके बाद मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं क्रिकेट भी बीच बीच में खेलता रहता था, और जब मेरा NVS का रिटन एग्ज़ाम था तब भी मैं क्रिकेट स्पेशल खेल के गया था।
सारे मेरे कह रहे थे, जो भी रिलेटिव सारे, अरे यार क्या कर रहा है तू, खेलना खुलना बाद में होता रहेगा, नहीं तो तू बाद में पछताएगा कि क्यों मैं उस दिन खेला यार, थोड़ा और पढ़ लेता। लेकिन मुझे मेरी बॉडी का पता था तब कि मैं क्रिकेट खेल के खुद को पीछे नहीं कर रहा, बल्कि खुद को मैं आगे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो जाएगा इससे। एग्ज़ाम वाले दिन भी ऐसा ही था, जब मेरा एनवीएस के एग्ज़ाम था, मैं सुबह उठाऊँ, मेडिटेशन किया, थोड़ा सा योगा किया, उसके बाद क्रिकेट तो नहीं खेल सकता था, वहाँ पे ग्राउंड थोड़ी था, तो खड़ा हुआ शीशे के आगे, खुद को ऐसे सोचा कि मैं क्रिकेट ग्राउंड में हूँ। 10 मिनट तक ऐसे प्रैक्टिस करता रहा, बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, एकदम माइंड फ्रेश हो गया, खुशी से भर गया मैं एकदम से। और खुश हो के अगर अपने काम करते हैं तो वो तो अच्छा ही होता ना, तो हमारा आउटपुट फिर मैक्सिमम देते हैं, हम आउटपुट हमसे मैक्सिमम निकलता उस टाइम पे। और ये भी था, और एक और चीज़ भी मैंने ये देखी थी कि कौन सी पॉजिटिव है जब मैं करता हूँ तो अच्छा रहता है। हाँ, मेरा फ्रेंड है, एक बेस्ट फ्रेंड है, जब मैं उसके साथ होता हूँ, श्रवण नाम है उसका, तो मैंने देखा जब मैं उसके साथ होता हूँ तो हमारी बात करियर वगैरह को लेकर कभी होती नहीं है, तो माहौल एकदम से लाइट हो जाता है और मेरे माइंड को अच्छा लगता है। मतलब क्या बात है यार, कितनी अच्छी लाइफ है, ऐसी फीलिंग आती थी, तो सारी टेंशन वगैरह उतर जाती थी। तो जब मेरा एग्ज़ाम था, मैं सभी एग्ज़ाम्स के अंदर अपने दोस्त को साथ लेके गया हूँ, और वो एग्ज़ाम सेंटर तक मेरे को छोड़ने आता था, हमारी बातें होती थी। तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता था मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा डिस्कशन ही ऐसे चल रहा होता था, हम हंसी खेल मजाक कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं सामने जाके पीसी के ऊपर आगे बैठा हूँ, तब तो मुझे लगता था हाँ मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ, और बहुत खुश हो के, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा अच्छा हो के मैंने एग्ज़ाम दिए हैं सारे। तो ये भी था, मतलब मुझे पता लग गया था कि कैसे मैं, ठीक है, अपने, समझ रहे हो ना, कि अपने माइंड से मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकता हूँ, कैसे मैं खुश रह सकता हूँ, कौन सी एक्टिविटीज़ दिमाग मेरा कम करती है, कौन सी एक्टिविटीज़ मेरा दिमाग बढ़ाती है, वो सब कुछ मैंने अपने अंदर पहचान लिया था। तो ऐसे करके मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। अब कोई पॉइंट रह ना गया हो तो मैं देखूं, हाँ, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्टिंग के अंदर बहुत आती थी। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तब सभी लोग मुझे कहते थे, अगर यार तू पागल है क्या, रीट के अंदर 31,000 सीट्स, 8,000 सीट्स उधर हैं, और तू 50 सीट की तैयारी कर रहा है, तेरा दिमाग सही है क्या, क्या कर रहा है भाई तू, 50 सीट में सिलेक्शन नहीं होगा, उधर आराम से हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं ना, अरे बहुत वीक माइंडसेट था मेरा, तो मैं हिल जाता था पूरा अंदर से, यार सच्ची में गलती तो नहीं कर रहा, अरे यार गलत रास्ता तो नहीं चूज़ कर लिया। लेकिन फिर से वही, मेरे को मज़ा नहीं आता था, मैं कहता था यार फिजिक्स, चलो मैंने रीट क्रैक कर दी, गवर्नमेंट टीचर बन भी गया, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा यार, मेरे को वो लालच नहीं है, मेरे को फिजिक्स पढ़ानी है, मतलब फिजिक्स पढ़ानी है, और खेलने के लिए क्रिकेट चाहिए। तो अपने पैशन को मैंने फॉलो किया पूरी तरह से, पैशन को फॉलो किया, इसलिए मैं अच्छा ही कर पा रहा था उसमें। और धीरे 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 फिर वही मेडिटेशन से दुनिया की बातें मेरे को, जो जो मैं पहले बहुत अंदर से हिल जाता था, उसका फ़र्क पड़ना बंद होता गया। ये भी था। हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा, ये काफ़ी अच्छी बात है, शायद आपको अच्छी लगेगी, कि नेगेटिव चीज़ बता रहा हूँ कि कंसंट्रेशन कम कैसे होती थी। एक तो हेडफोन बताया, मोबाइल का कभी कभी एडिक्शन हो जाता था, ये बताया। थर्ड, अपना देखो ह्यूमन का नेचर होता है कि किसी दूसरे के बारे में बात सुननी हो ना, तो हाँ क्या बोला क्या बोला, उसने उसको क्या बोला, उसने उसको क्या बोला, ऐसी बातें, किसी बुराई करना है ना, इसमें इंडल जल्दी हो जाए आप अपने। तो इस टाइप की एक्टिविटीज से मैंने अपने आप को कैसे दूर रखा, मतलब हम दूसरों को जज बहुत जल्दी करते हैं, अरे यार वो बहुत बेकार आदमी है, उसने ऐसा कर दिया, बहुत जल्दी जज करते हैं। और जब हम किसी को बुरा बेकार बोलते हैं तो हमारे माइंड के अंदर ही वो सबसे पहले आता है, और एक नेगेटिव चीज हमें अंदर तक नुकसान करती है। स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, बहुत अच्छा कोट है, बहुत अच्छा, मैं इसको पूरी लाइफ याद रखना चाहता हूँ, कि हम सबका माइंड एक जैसा है, हम सबकी माइंड एक जैसे काम करता है। अब आप सोचो, अगर इस माइंड से हम सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल दें, तो जो ये माइंड बचेगा वो कितना पॉजिटिव होगा, उसकी कंसंट्रेशन कितनी हाई होगी, वो कितना जल्दी सीख पाएगा। तो ये चीज़ ना मेरे को, मतलब
क्या बोलूँ, एनर्जी से भर देती थी। तो ये चीज़ मैं जब सोचता था तो मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी को धीरे धीरे बाहर निकालता गया। तो मैं क्या करता था, सामने वाले पर्सन ने कुछ गलत किया, कुछ गलती की, देखो सब अच्छे होते सब बुरे होते हैं, कुछ गलती हुई, मैं क्या बोलता, इस पर्सन में ये कमी है, मेरे में ये कमी नहीं है, बट मेरे अंदर कोई और कमी होगी, वो उसके अंदर नहीं होगी। तो अल्टीमेटली हम सब अच्छे हैं, हम सब बुरे हैं, तो हम सब बराबर हैं। तो ऐसे करके मैं अपने माइंड को समझाता था। धीरे धीरे वो सारी चीज़ मेरे बिहेवियर में आने लगी। मैं दूसरों को जज नहीं करता था, जज नहीं करता था तो मेरा माइंड क्या रहता था, रिलैक्स, इसकी एनर्जी वहाँ से लीक नहीं होती थी। तो पढ़ाने के बाद, पूरे दिन पढ़ाने के बाद शाम को मेरे पास 2-3 घंटे ही बचते थे सब कुछ करने के बाद में। तो उन 2-3 घंटों के अंदर मेरी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी बन पाती थी। फास्ट फूड से दूर रहता था, पानी ज़्यादा पीता था, फ्रूट्स कभी कभी घर पे आते थे तो वो कंज्यूम करता था, और जब ज़्यादा पढ़ जैसे होता कि ज़रूरत है तो स्पेशल भी ले के आता था, ठीक है, सैलेड वगैरह था, पानी ज़्यादा पीना, फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं, क्रिकेट खेलना थोड़े थोड़े, लगातार नहीं हो पाता तो एटलीस्ट वीक में संडे को तो खेलना ही खेलना अच्छे से, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, रोज के टास्क बनाता था कि रोज भी ज़्यादा नहीं, रियलिस्टिक टास्क, पूरे रियलिस्टिक टास्क, इतना पोर्शन पढ़ना है, 20 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और ये तो करके ही सोऊंगा, ये तो करके ही सोऊंगा, और आराम से हो जाते थे उन 2-3 घंटों के अंदर, वो पढ़ भी लेता, 20-25 क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते। तो इस तरह से धीरे 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 मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाई रखी। मतलब 3 साल के अंदर शायद 3 दिन भी मैंने चीट नहीं किया होगा खुद के साथ में। तो ये पूरा कंसिस्टेंट वे में सब कुछ चलता गया, और फाइनली फिर उसके बाद में जब एग्ज़ाम्स आए, एग्ज़ाम्स में कैसे मैं रिलैक्स होके दे सका वे एग्ज़ाम, वो भी मैंने आपको बताया। तो उसके बाद मेरे 3 एग्ज़ाम्स रिटर्न क्लियर हो गए। अब इसके बाद वाले में तो फिर मैंने अपना NVS का एग्ज़ाम दे दिया, अच्छा हुआ। उसके जस्ट नेक्स्ट वीक ही जयपुर के अंदर मेरा एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी का एग्ज़ाम था, जिसके अंदर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, और KVS के एग्ज़ाम था काफ़ी उस टाइम पे, तो फॉर्म भी नहीं आए थे। तो फिर NVS का रिज़ल्ट आ गया, NVS का रिज़ल्ट आया तो मुझे पता लगा मैंने क्रैक कर दिया है, तो मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया हूँ। उतने में KVS का फिर फॉर्म आ गए थे, तो KVS की रिटर्न की डेट थी वो भी आ गई थी 17th of February। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करूँगा, KVS के रिटर्न एग्ज़ाम पर ही मैं फोकस करूँगा। तो 17th of February के अंदर मैंने क्या किया, KVS का रिटेन एग्ज़ाम दे के आया, और उस टाइम पे मेरा हेडेक था KVS के एग्ज़ाम वाले दिन पे, पर क्योंकि मैंने मैनेजमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी कर रखी थी, मुझे पता था मैं कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करके अपना मैक्सिमम आउटपुट ले सकता हूँ, तो बहुत हद तक मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया। बेस्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि एक फिट पर्सन बेस्ट परफॉर्म करता है, लेकिन बहुत अच्छा मैं परफॉर्म कर पाया, बेस्ट नहीं था लेकिन अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो रिटर्न उसका भी मेरा क्लियर हो गया, और इंटरव्यू उसका मेरा बेस्ट इंटरव्यू गया। फिर उसके बाद एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का भी रिजल्ट आ गया, और KVS की बात अगर मैं करूँ उसके अंदर मेरा स्कोर तीनों का मिला के देखो तो मेरे हिसाब से कम रहने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। क्यों? क्योंकि जब रिटर्न एग्ज़ाम था मेरा हेडेक था, और जब मेरा इंटरव्यू था उस टाइम मेरे को एक्सट्रीम लेवल का जॉन्डिस था, 10 पहुंच गया था बिलरुबिन लेवल। और जब मेरा इंटरव्यू था तो इवन वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है ना, वो बार बार मेरे से कह रहे, भाई ठीक है ना, तू नारियल पानी पिला दे तेरे को, अच्छा है ना, इंटरव्यू दे पाएगा ना। लेकिन फिर भी मतलब अंदर से निकल रहा था कि इंटरव्यू आज अच्छा ही जाना चाहिए। तो इंटरव्यू के 30 मिनट्स पहले मैं पूरी फ्लो स्टेट के अंदर आ गया था, सारी वीकनेस सब कुछ भूल गया था मेरा माइंड। तो कैसे मैं अपने आप को फ्लो स्टेट में लेके आया वो अभी इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। इंटरव्यू के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया, और कैसे ये एक्सट्रीम लेवल का जोंडिस, मतलब मेरे 15 दिन के अंदर 12 kg मेरे बॉडी ने वेट लूज कर दिया था, इतना एक्सट्रीम लेवल का जोंडिस मेरे को हो गया था, फिर भी मैं कैसे इंटरव्यू में KVS का बेस्ट दे पाया वो अगली वीडियो के अंदर बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो इंटरव्यू के लिए मैंने कोई प्रिपेशन, कहीं से कोई कोर्स, कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो कैसे मैं प्रैक्टिकली सोच सोच के, इंटरव्यूअर कैसे सोचते होंगे, कैसा वो हमसे क्या चाहते हैं,
ऐसा सोच सोच के मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू की, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगा। और उससे अगली वीडियो में मैं आपको, बिकॉज मैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल सोसाइटी में हूँ, तो कौन सी फैसिलिटीज़ पर्क्स एक एम्प्लॉई को देती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और क्यों ये जो डिपार्टमेंट है हमें मतलब बहुत क्या इनकी जो बोले कॉलोनी है जो जिसके अंदर हम रहते हैं वो बहुत स्मार्ट कॉलोनी है, बेस्ट कॉलोनी है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर मैं कुछ रह गया तो हाँ एक चीज और, तो मतलब आपको क्या करना है मेडिटेशन, मतलब अब जो मैंने किया जरूरी नहीं वो सारी चीज़ें आपके साथ भी सही हो, आपको अपनी बॉडी का एनालिसिस करना, दैट्स इट। अपनी बॉडी के साथ फोर्स नहीं करना कि मैं ऐसे करता था तो आपको भी वैसे करना है, ऐसा नहीं। आपको अपनी बॉडी को पहचानना है भाई कि यार इससे बेस्ट निकलेगा कैसे। एक चीज़ सब में कॉमन रहती है, नींद पूरी करना सबको ज़रूरी है, तो 7 to 8 hours के अंदर नींद आपकी पूरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो फिर से अपनी एक्टिविटीज़ को चेक करो, कहीं फास्ट फूड तो ज़्यादा नहीं खा रहे, कहीं भूख लगने के बाद भी बार बार तो नहीं खा रहे, कहीं तुम ऐसा खाना तो नहीं खा रहे जिससे हमें आलस आता है, पानी कम तो नहीं पी रहे। तो कम घंटों में नींद पूरी करनी जरूरी है, लेकिन अच्छी नींद पूरी करनी जरूरी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इस टाइम मतलब ये नींद का तो मेरे को भी थोड़ा रहता था, कभी कभी मैं नहीं ले पाता था तो, लेकिन पूरी कर लेता था। आपको नींद का ध्यान रखना, मतलब अपनी बॉडी को पहचानो, दैट्स इट। बॉडी को पहचानो कैसे इससे आप अच्छा काम करवा सकते हो, कैसे बेस्ट ले सकते हो, और बॉडी के साथ फोर्स नहीं करना, ठीक है। एक और चीज़, आप जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको पूरा ऑनेस्टी के साथ करना है। अब जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था तो मैं स्कूल में भी पढ़ाता था, लेकिन मैंने कभी भी अपनी टीचिंग के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि ऐसा नहीं कि मेरे को शाम को प्रिपेयर करना है तो आज मैं कम पढ़ा देता हूँ, आलसी होकर पढ़ा लेता हूँ, यहाँ रेस्ट कर लेता हूँ, नहीं। एक एक मिनट क्लासरूम का मेरा ये होता था कि बिल्कुल इफ़ेक्टिव एंड बढ़िया टीचिंग इनको करवा के जाऊँ। तो उस टाइम जब मैं टीचर होता था तो मैं अपना टीचिंग का काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता था, और जब मैं शाम को पढ़ रहा था तो मेरा सारा ध्यान पढ़ने पे होता था। ये सब अपने आप होता है, ऐसा कोई होता नहीं है, ये वही बात है कि अगर आपका माइंडसेट सही है तो ये सही सोचेगा, और जो हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं। और लास्ट 4 years के अंदर मैंने 4 movies नहीं देखी, लेकिन मैंने बहुत सारे चैंपियंस की बायोग्राफी, उनके वर्क एथिक्स के बारे में जाना है। तो अगर मैं उनके वर्क एथिक्स को जानता था तो वो चीज़ें मेरे माइंड में आती थी, तो वो मेरे बॉडी पे भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती थी। जैसे डेवन द रॉक, शायद डेवन द रॉक ही नाम है, पता नहीं मुझे, मैं भूल जाता हूँ, विराट कोहली, MS धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी और डेविन गॉगिंस, मतलब जो अपने अपने फील्ड में चैम्पियन रहे हैं, अब उनका वर्क एथिक्स क्या है वो नहीं पता, लेकिन उनके इंटरव्यूज़ वगैरह को ढंग से देखता तो सोचने की कोशिश करता कि कैसे सोचते होंगे ये, तो वो चीज़ मेरे को बहुत हेल्प करती थी। और सब में ना 80% सेम होती थी चीज़, क्या, इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। ये चीज़ सभी चैम्पियंस के अंदर कॉमन है, इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। अब इनमें से कुछ होते थे जो रिजल्ट पे ध्यान देते थे, कुछ MS धोनी जैसे होते थे जो रिजल्ट पे ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देते थे, कुछ दोनों पे देते थे। तो आपको चेक करना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो मेरी पर्सनली, मेरे को भी MS धोनी वाली पर्सनैलिटी लगती थी, जब मैं यही सोचता रहता था कि 50 सीट रैंक निकालना है, नहीं, ये आज का काम बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये न्यूमेरिकल्स मेरे को बड़ी अच्छी इंटेंसिटी से करने हैं, ऐसे करने हैं जैसे एग्जाम के अंदर बैठ के कर रहा हूँ, प्रोसेस ओरिएंटेड होके काम करता था तो मेरी ग्रोथ होती थी। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को पहचानना है और आगे बढ़ना है। तो आगे वाली वीडियो में मैं बिल्कुल ऑनेस्ट अपना मतलब बताऊँगा स्टोरी कि कैसे मैंने इंटरव्यू के अंदर तैयारी की। तो अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अब की बार आपकी बारी, आप भी गवर्नमेंट सर्विस में आने वाले हैं, अच्छी करने वाले अपनी लाइफ के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।